हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद पर स्वागत है। आज मैं आशीष खेसरी आप लोग को डेली जीके में से भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आता है, और इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। टॉपिक है हमारा भारत की अर्थव्यवस्था। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? जी हाँ दोस्त, अर्थशास्त्र की रचना आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी कौटिल्य ने, ऑप्शन डी एडम स्मिथ ने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य ने। जी हाँ दोस्त, इसे विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, और ये अर्थशास्त्र जो है किताब पुस्तक, ये राजनीति से रिलेटेड था, ये अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं था, ये राजनीति से रिलेटेड लिखा गया था। वो किसने लिखा था? कौटिल्य ने। उसका दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र पुस्तक का दूसरा नाम क्या था? जी हाँ दोस्त, अर्थशास्त्र पुस्तक का दूसरा नाम आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए राजनीति शास्त्र, ऑप्शन बी सप्तांग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी अर्थात ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसे राजनीति शास्त्र और सप्तांग दोनों नामों से जाना जाता है। पिछले क्वेश्चन ने बताया था कि राजनीति अर्थशास्त्र जो पुस्तक जो लिखा कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त ने जो एक पुस्तक लिखा वो सिर्फ केवल राजनीति से रिलेटेड था, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं था। आते हैं तीन नंबर क्वेश्चन की तरफ। द वेल्थ ऑफ नेशन, जी हाँ दोस्त, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी एडम स्मिथ या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ, और इन्होंने किया 1776। जी हाँ, तो 1776 ईस्वी में ये किताब लिखी गई, और यह पहला किताब ऐसा है जिसमें इकोनॉमिक अर्थात इकोनॉमिक के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बतलाया गया, और इसके किताब का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन हम लोग जानते ही हैं। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्त, ग्रैंडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए जे ए किन्स, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर ए जे ई किन्स को ग्रैंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना भी जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ देखते हैं। सर्वप्रथम किस देश ने द वेल्थ ऑफ नेशन किताब से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाई? जी हाँ दोस्त, ऐसा कौन सा देश है जो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को फॉलो करके अपना जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को बताया या बनाए? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए USSR, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी USA। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर डी USA, जिन्होंने एडम स्मिथ द्वारा लिखा हुई पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किताब से अपने देश की अर्थव्यवस्था को बतलाया। USA की अर्थव्यवस्था कैसी है? जी हाँ दोस्त, USA की अर्थव्यवस्था आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए कैपिटल इकोनॉमी, ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमी, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर ए कैपिटल इकोनॉमी, जिसे हिंदी में हम लोग पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था, जी हाँ दोस्त, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये क्वेश्चन अगले टर्म के नेवी एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्त, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए कैपिटल इकोनॉमी, ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमी, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी, ये ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड इकोनॉमी, अर्थात कैपिटल इकोनॉमी का आधा और सोशल इकोनॉमी का आधा, इसका आधा मिला के मतलब भारत का अर्थव्यवस्था इन दोनों में से कुछ कुछ है, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। रूस की इकोनॉमी कैसी है, जी हाँ दोस्त, रूस की इकोनॉमी आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन बी कैपिटल इकोनॉमी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी सोशल इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त रूस की इकोनॉमी है आपकी सोशल इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 2008 के बाद विश्व का सबसे तेज विकास करने वाला देश कौन सा है, जी हाँ दोस्त, 2008 के बाद विश्व का सबसे तेज विकास करने वाला देश, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी भारत। तो पहले मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, उसके बाद इसको दर्शाऊंगा। आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर डी भारत, जी हाँ दोस्त, 2008 के बाद भारत जो था बहुत तेज़ी से विकसित करने वाला देश है पूरा वर्ल्ड में, और 2008 के पहले चाइना जो था विकसित करने वाला, 2008 के पहले चाइना विकसित करने वाला पहला देश था, 2008 के पहले, 2008 के बाद इंडिया बना 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, जी हाँ दोस्त, नेशनल इनकम की गणना सबसे पहले किसने किया था, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखा, जी हाँ दोस्त, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखा, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी वी के आर बी राव, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। इसमें इस किताब में नेशनल इनकम के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेशनल इनकम बुक इन ब्रिटिश इंडिया, जी हाँ दोस्त, नेशनल इनकम बुक इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी गोपाल हरिजन, ऑप्शन सी कौटिल्य, या ऑप्शन डी वी के आर बी राव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर डी वी के आर बी राव, जिन्होंने नेशनल इनकम बुक इन ब्रिटिश इंडिया का किताब लिखा। 13वें नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जीडीपी का, जी हाँ दोस्त, जीडीपी जो हम लोग को पता ही है जीडीपी का पूरा नाम क्या है, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी गुड डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी गुड्स डेसिमल प्रोडक्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी का पूरा नाम है। पिछले नेवी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड पूछा गया था। एनडीपी का पूरा नाम क्या है, जी हाँ दोस्त, एनडीपी का पूरा नाम आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन, ऑप्शन बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ऑप्शन सी नेशनल डेसिमल प्रोडक्शन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल सेटिस्फेशियल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सी एस ओ
का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्त, CHO का पूरा नाम क्या है, दूसरा नाम? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए श्वेत पत्र, ऑप्शन बी वाइट पेपर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी अर्थात ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। श्वेत पत्र इसे हिंदी में बोलते हैं और वाइट पेपर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे का नाम ही है। भारत की जो CHO है, जो ये CHO है, ये भारत की अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टेरिटोरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से अर्थात कृषि से आते हैं और ये इसमें चार सेक्टर की एग्रीकल्चर से चार सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री से रिलेटेड तीन सेक्टर आते हैं, और सर्विस मतलब तीसरा नंबर है टेरिटोरी सेक्टर, मतलब उसमें सर्विस सेक्टर से लेकर सात सेक्टर आते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, अच्छा लगा या पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगले डेली जीके से रिलेटेड डेली प्रतिदिन नए नोटिफिकेशन आते रहें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।